हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक हो गए। और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और ये मैं यहाँ पे बनाना मैश कर रही हूँ। एक ही बनाना था तो मैंने एक ही बनाना लिया है, तो इसको मैश कर रही हूँ। और मैं अब यहाँ पे गुलगुले बनाने वाली हूँ, जो टी टाइम स्नैक्स में खाते हैं। बनाना बनाना और आटा मिला के उस गुलगुले बनाते हैं ना, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो मैं वो बना रही हूँ टी टाइम के लिए। अच्छे से मैश कर लेना है इसे, और उसे में आटा मिलाना है। और यहाँ पे मैंने एक बनाना लिया था बड़े साइज़ का, और यहाँ पे हाफ कप के करीब मैंने वीट का आटा है ना, गेहूँ का आटा, वो डाला था। और इसे अच्छे से अभी मिलाना है। और फिर मैंने यहाँ पे शुगर डाला है, टू टीस्पून शुगर डाला है, और 1/4 टीस्पून मैंने यहाँ पे नमक डाला है। और इसे अच्छे से अभी मिलाना है। नमक डालने के बाद यहाँ पे मैंने वेनिला एसेंस डाला है, टू ड्रॉप्स। अगर आपको इलायची भी डालना है, इलायची पाउडर, आप वो भी डाल सकते हो। ये सब को अभी अच्छे से मिलाना है, नमक, शक्कर, वेनिला एसेंस, ये सब को इस आटे में अच्छे से मिला के ले लो। सब इंग्रेडिएंट्स मिलाने के बाद सेमी थिक थोड़ा थोड़ा पानी मिलाओ, और थोड़ा सेमी थिक कंसिस्टेंसी का बैटर हमें बनाना है। जैसे मैं हाथ का इस्तेमाल करो, स्पून से कुछ होता नहीं है अच्छे से। अगर आपको स्पून से जमता है करने के लिए तो स्पून से करो, पर हमें सेमी थिक बैटर बनाना है। और पानी एक साथ मत डालो, थोड़ा थोड़ा करके पानी डालना है। तो कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए जैसे हमें अभी हाथ से भी ऐसे छोटे छोटे बॉल्स हम निकाल सकते हैं, ठीक है? ऐसे सेमिस्ट थिक कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। और यहाँ पे मैं बेकिंग सोडा डाल रही हूँ, भूल गई थी डालने के लिए। और मैंने सौंफ भी डाला है इसमें, एक टेबलस्पून मैंने सौंफ भी डाला था। ओके, तो आप वो भी डाल लेना, सौंफ और बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा सिर्फ 2 चुटकी। और तेल गरम होने के बाद एक एक करके ऐसे बॉल जैसे बना के अपने हाथ से, अगर स्पून से डाल सकते हैं तो हम स्पून से भी डाल देना। ऐसे मैंने तो हाथ से डालती हूँ, ऐसे गुलगुले ऐसे गोल गोल बना के ऐसे डाल देना गरम तेल में। और डालने के बाद इसको एक साइड पका लेना मीडियम फ्लेम पे, फिर अलट पलट करके इसे दोनों साइड को पका लेना। और मीडियम फ्लेम पे ही पकाओ, क्योंकि आटा है और आटा पकने के लिए देर लगती है। ऐसे हमारे गुलगुले एकदम तैयार है। चलो आ जाओ सब चाय पीने के लिए, ये मेरे गुलगुले तैयार है। ये देखो मेरा पति, आज मेरा बर्थडे है और मेरे को घर पे ही रखा है। और ये फूल और केक लेके आया है, आज घूमने लेके जा रहा है, काम पे था आज। थैंक यू, फोन आ गया। थैंक यू, ये फूल लेके आया। थैंक यू, कैसा लग रहा है आज मेरे को किधर नहीं लेके जाके? जाएगे, काम इम्पोर्टेंट। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब? आई होप आप सब ठीक हो गए। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज अभी आपने देखा है कि मेरा हस्बैंड ने मेरे लिए केक लाया है और फूल लाया है, बुके लाया है। मैंने आपको बताया नहीं पहले कि मेरा बर्थडे है आज। आज 16 नवंबर है और आज मेरा बर्थडे है, क्योंकि आज कुछ सेलिब्रेशन नहीं कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि ये अभी अभी आया है, उसको कुछ अर्जेंट काम था इसलिए वो वहाँ पे गया था। तो हम कल सेलिब्रेट कर रहे हैं, पर आज इसने मेरे लिए बुके और केक लेके आया। पर केक भी मैं कल ही काटूंगी, आज नहीं काटूंगी, कल काटूंगी। पूरा तैयार व्यार होके काटूंगी केक। कुछ आज मैंने अभी कुछ गुलगुले बनाया है, और मेरा बर्गर भी नीचे भूल के आया है गाड़ी में। और
कुछ खाना पकाऊंगी, कुछ वेज में पकाऊंगी आज, और देखते हैं मैं क्या पकाती हूँ आपसे शेयर करूंगी। तो मुझे आपका ढेर सारा ब्लेसिंग्स दो और प्यार दो, और ऐसे ही मेरे वीडियोस देखते रहो, और लव यू ऑल, थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग, बाय। चलते हैं किचन में थोड़ी देर में। और मेरे को आते वक्त इसने बर्गर लेके आया था, चिकन बर्गर, और मुझे मीठा बनाना था, तो मैंने आज गुलगुले बनाया था, और ये मेरा बर्थडे का केक, यूट्यूब वाला केक। बीबी यूट्यूबर है ना, इसलिए यूट्यूब वाला केक। और इसका कटिंग मैं नेक्स्ट वीडियो में डालूंगी। मैंने इसी दिन मैंने कटिंग किया था 16 नवंबर को, पर मैं कटिंग वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में जब भी सेलिब्रेशन वीडियो डालूंगी ना, तभी डालूंगी। ओके, तो स्टे ट्यून, तब तक आप ये वीडियो देखो, और कटिंग वाला वीडियो और सेलिब्रेशन वाला वीडियो इस वीडियो के बाद आएगा। और मुझे पता है थोड़ा सा लेट हो गया था, हो जाएगा इस वीडियो के लिए। 16 नवंबर मेरा बर्थडे था, और मैं डालते डालते थोड़ा सा लेट हो गया, सॉरी फॉर दैट। और यहाँ पे मैं आगे किचन में, मेरे हस्बैंड कल ही लेके आए थे सब, और मैंने रखा नहीं था फ्रिज में, तो ये सब सेग्रीगेट करके रख रही हूँ सब वेजिटेबल्स। मैं एक्चुअली इसमें न्यूज़पेपर में बांध के रखती हूँ, या क्लॉथ बैग्स होते ना उसमें, पर मेरे को कुछ भी नहीं मिला। क्लॉथ बैग सब धोने चले गए थे, धोने डाले था, और न्यूज़पेपर मेरे पास बचे नहीं थे, इसलिए मैंने इस प्लास्टिक बैग में ही सब डिवाइड मीन सब सेपरेट करके रखा था। और कुछ ज़्यादा वेजिटेबल्स नहीं थे, टमाटो थे, और प्याज लाया था, और आलू लाए थे। और इस बार मैंने आलू भी मैंने फ्रिज में रखा था, क्योंकि यूज़ नहीं होता ना जल्दी से, तो फिर सब ख़राब हो जाता है, इसलिए मैंने आलू भी फ्रिज में रखे थे। और कुछ एग्स भी आए थे, एग्स हमारे घर पे बहुत लगते हैं, क्योंकि हम एग्स खाते हैं ब्रेकफास्ट में, मेरे हस्बैंड एग्स खाते हैं और मैं भी एग्स खाते हैं। और उसके बाद मैं आई डिनर के लिए, कुछ बाहर नहीं जाना था, तो पर कुछ स्पेशल भी पकाना था, तो मैं छोले बना रही थी। और छोले इस बार मैंने डिफरेंट स्टाइल से बनाया था, ये फर्स्ट टाइम बना रही मैं छोले। मैंने बॉयल करके लिए थे काबुली चने, और इसमें हल्दी और अपने सारे सूखे मसाले डाले थे, वन टी स्पून। या मैंने लाल मिर्च पाउडर, कश्मीरी लाल पाउडर, हल्दी हाफ टी स्पून, और मालवनी मसाला 1 टी स्पून। और ये जो मसाला है, प्याज, टमाटो, ग्रीन चिल्लीज, आला लहसुन, और थोड़ा सा धनिया पत्ती पीस के रख दिया था। और यहाँ पे तड़के के लिए मैंने जीरा लिया था, और तेज पत्ता 2 लिया था, और एक 2-3 लौंग लिए थे, और दालचीनी 1 टुकड़ा। और इसमें ग्रीन मसालों को मिक्स करके अच्छे से पकाना है, थोड़ा सा पानी डालना है, और फिर इसे अच्छे से पकाना है जब तक इसमें बॉईल नहीं आ जाता। एक बार बॉईल आ जाए इस मसाले में, फिर इसे ढक के रखना है, और फिर ढक के रखने के बाद 15 मिनट अच्छे से इसे पकाना है स्लो फ्लेम पे। और फिर ये पक जाने के बाद, थोड़ा सा ब्राउन होने के बाद, इसमें जो मैरिनेटेड छोले थे, मैंने दही भी डाला है, हाँ 1 कप दही भी डाला था जब भी मैरिनेट किया था ना तभी छोले को। ओके, तो मैरिनेटेड छोले मैंने इसमें डाल दिया तड़के में, और फिर थोड़ा सा पानी डाल के मैंने ऊपर से गरम मसाला डाला है, और अच्छे से पानी, अगर आपको कम डालना है तो कम डालो, क्योंकि मैंने राइस के साथ खाना था इसलिए मैंने थोड़ा सा ज़्यादा पानी डाला था। और नमक डाल के वापस से एक बॉईल ले लो। मैंने नमक ऑलरेडी छोले में डाल दिए थे जब भी उसे उबाल नहीं रख दिया था तभी, तो मैंने कम नमक डाला है, अपने हिसाब से आप नमक डाल सकते हो। और थोड़ी देर बॉईल करने के बाद, उसकी जब भी तरी ऊपर आ जाए, इसको फिर गार्निश कर लो। ज़्यादा रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी छोले पके हुए रहते हैं। ये हमारा छोले एकदम रेडी, और ये हमारी आज की मेरी बर्थडे की थाली, वेज थाली, फर्स्ट टाइम खा रही हूँ, पर मेरे हस्बैंड को टाइम नहीं था आज। तो वीडियो पसंद आई तो एक लाइक ज़रूर करना, कमेंट ज़रूर करना, और सब्सक्राइब ज़रूर करना नए आए तो। मीट यू इन द नेक्स्ट व्लॉग, सी यू, बाय।